ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 27 फरवरी को मकर राशि में 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, किस तरीके से ये आप लोगों को प्रभाव देंगे या इन ग्रहों की जो युति हो रही है इसको लेकर के हो सकता है जिनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत रुचि हो तो ये कंजंक्शन क्या प्रभाव देगा या इसका आगे चल करके किस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, इन चीजों को लेकर कुछ प्रश्न होंगे तो उसी के ऊपर मैं बात करूंगी आप लोगों से। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियो से देखते हैं, सीखते हैं, कमेंट्स करते हैं, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। अभी मैं देख रही थी प्लैनेट्स के ट्रांजिट के जब वीडियोस बना रही थी तो उसमें देखा कि 5 ग्रह इकट्ठे होंगे मकर में। शुक्र का ट्रांजिट वीडियो बनाते टाइम ही मेरा ध्यान गया, मैंने देखा कि वहां पे 5-5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं तो ये आगे चल करके फ्यूचर में किस तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं। तो देखिए, है तो ये बहुत ही सामान्य घटना क्योंकि ग्रह है तो जब ही घूमते रहते हैं ट्रांजिट में और जहां पर बड़े ग्रह बैठे होते हैं पहले से, विशेष रूप से शनि ग्रह, तो जैसे शनि अभी मकर में ही है तो ये तो तय है कि मकर में शनि 2.5 साल रहेंगे और गुरु हैं, गुरु एक राशि में 12-13 महीने के करीब रहते हैं और दूसरे जो प्लेनेट हैं वो ट्रांजिट करते हुए आएंगे शनि के पास, ये तो इस वजह से सामान्य बात हुई है, कोई बहुत अलग बहुत अजूबे वाली चीज नहीं है। क्योंकि जब बड़ा ग्रह कोई है एक राशि में बैठा हुआ है और दूसरे प्लैनेट जो जल्दी जल्दी ट्रांजिट चेंज करते हैं, चंद्रमा है 2.25 दिन में घूम के आ जाता है और इसी तरीके से सूर्य 1 महीने में, बाकी जो प्लैनेट्स है कोई 28 दिन में, कोई मंगल वगैरह 45 दिन में, इसी तरीके से शुक्र बुध है, तो ये सारा जो यहाँ पर इकट्ठा होना हो रहा है इन लोगों का, जिसमें से चंद्रमा तो निकल जाएंगे 2-2.25 दिन में और बचेंगे यहाँ पर मंगल, शनि और शुक्र, ये 3 प्लैनेट जो हैं रहेंगे और बुध भी रहेंगे कुछ समय तक। तो ये तीनों चारों ग्रह मिलकर के क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसको अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इनका क्या प्रभाव हो सकता है तो कालपुरुष की पत्रिका से ही आप इसको समझिए। मकर राशि शनि की राशि हो गई, कर्म का कारक ग्रह वहां खुद बैठा हुआ है, अब उसी के पास चल करके जो पैसे का ग्रह है, जो व्यापार का संबंधों का ग्रह शुक्र है, वो भी मकर में आ जाएगा 27 को। हालांकि जब ये आएंगे शुक्र तो इनकी डिग्री काफी कम रहेगी, 0.018 के करीब ही रहेंगे, मतलब जस्ट एंटर ही किए रहेंगे, 1 डिग्री भी नहीं पास किए रहेंगे और मंगल भी जो है 26 को प्रवेश कर रहे हैं तो मंगल भी बिल्कुल मकर राशि में जस्ट एंटर ही किए रहेंगे तो ये इनकी भी डिग्री ऐसे ही है 0.051, मतलब ये भी 1 डिग्री के करीब कंप्लीट नहीं है। तो शुक्र मंगल तो जस्ट उसमें घुसे ही रहेंगे, बाकी चंद्रमा 3 डिग्री के करीब रहेगा और बुध 20 पे हैं, मकर में भी चल रहे हैं, शनि की जो स्थिति रहेगी वो 24 डिग्री के करीब है। तो शुरुआत तो जो है सामान्य ही रहेगी और ये सारी चीजें जो रहेंगी हर एक व्यक्ति के लिए, जहां पर भी आपकी मकर राशि है, मकर आपकी कर्म की राशि है तो 12 से किसी एक ना किसी एक भाव में मकर राशि पड़ेगी हर एक व्यक्ति की। तो इस राशि में जब ये ग्रह आएंगे तो आप लोगों के लिए जो एक इनडायरेक्ट प्रभाव देखने को मिलेगा हर एक व्यक्ति के लिए, कुछ आपके पैसों से संबंधित व्यापारिक गतिविधियां और इसी के साथ साथ मंगल है तो जो आप स्वयं रहेंगे, मेष राशि आपकी कहीं भी हो वो आपके अप्रत्यक्ष व्यक्ति के खुद के व्यक्तित्व को व्यक्त करती है क्योंकि वो कालपुरुष की पहली राशि होती है। तो लग्न आपका भले कोई हो लेकिन वहां पर इनडायरेक्ट जो बैकग्राउंड मिलता है वो मेष का ही मिलता है, तो आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, बुध जो है आपके कम्युनिकेशन, आपके सर्विस वाले एरिया को, जो भी आपकी एबिलिटीज हैं उन सारी चीजों को दिखाते हैं कम्युनिकेशन वगैरह को। और चंद्रमा तो आपके सुखों के कारक है ही, मन के माता के, और शनि आपके कर्म के हो गए, तो ले देकर के जो 5 के 5ों ही प्लेनेट हैं जब आपके मकर में पहुंचेंगे तो आप सभी लोग कोई भी कहीं पे भी किसी भी स्थिति में हो, लेकिन ये जो टाइम पीरियड रहेगा मकर में इन ग्रहों का, हर एक व्यक्ति अपने कार्यों को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के, धन प्राप्ति को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, कहीं ना कहीं
बहुत व्यग्र सा रहेगा, या उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रहा होगा अपनी चीजों को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी चीजों को शेप देने के लिए, अपनी चीजों को और अच्छा करने के लिए। ये सारी भावनाएं जरूर पैदा होंगी, क्योंकि पांच के पांचों ही ग्रह एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं कर्म की राशि में। तो ये टाइम पीरियड आप लोग, हो सकता है कि कुछ प्लानिंग करें। कुछ लोग अपने प्रोफेशन को लेकर के प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ लोग अपने फाइनेंस को लेकर के कर सकते हैं प्लानिंग, कुछ लोग अपने व्यापार को, लाइफ पार्टनर को लेकर के सकते हैं, कुछ लोग अपने ट्रेवल्स के लिए, अपने जो सर्विस प्रोवाइडिंग वाला एरिया है उन क्षेत्रों को लेकर के। लेकिन ये जरूर है कि ये समय आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ आपको इनिशिएट करेगा दूर की प्लानिंग करने के लिए या फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए। तो इन ग्रहों का इकट्ठा होना जो है इस तरीके के संकेत दे रहा है। यहाँ पे देखिए जो शुक्र है और मंगल है, ये शुरुआत में बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम में जैसे एंटर करेंगे तो कोई बहुत ही प्रभाव नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब ये करीब मार्च का टाइम आएगा, मार्च लास्ट तक का जब टाइम आएगा, क्योंकि 7 अप्रैल को मार्च 7 अप्रैल को मंगल निकल जाएंगे और कुंभ की तरफ जाएंगे, और वही टाइम रहेगा कि जब शनि भी मकर राशि को छोड़ेंगे। तो लगभग 27-28 मार्च के करीब का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर मंगल और शनि की जो डिग्री रहेगी वो काफी करीब रहेगी, दोनों ही लगभग लगभग 27-28 डिग्री के करीब आसपास में रहेंगे। तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पर आप लोग थोड़ी सी सावधानी रख लीजिएगा। देखिए कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो अच्छा रिजल्ट रहेगा, शनि और मंगल मकर में बैठ के हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ निर्माण वाली घटनाएं जरूर कराएंगे, चाहे वो पैसों से लेकर के हो, चाहे वो आपके व्यवसाय से, सर्विस से। शनि मंगल को जो संयुक्त प्रभाव है आपके लिए लाइफ में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन जरूर कराएगा, उसका रूप चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब ये दोनों बहुत क्लोज डिग्री पे होंगे 27-28 मार्च के करीब, तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा उस टाइम पे आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करिएगा, संयमित करिएगा, क्योंकि मंगल शनि जब बिल्कुल आसपास आएंगे तो मंगल क्या है, अग्नि वाला ग्रह है, और शनि क्या है, वायु तत्व ग्रह है। तो ये आग और हवा का जब एक संपर्क होता है तो तरीके का विस्फोट जैसी स्थिति बनती है। तो विस्फोट का मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत अनहोनी घटना घटित हो जाएगी, हो सकता है कि आप अपने अंदर ही, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है और इसको जो प्रभाव पड़ेगा शनि के साथ में, तो आपके अंदर इस तरीके के विचार, कुछ हो सकता है कि आपके अंदर एग्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इस तरह की चीजें ज्यादा हो सकती हैं। तो 2-3 दिन का टाइम पीरियड रहेगा 26-27-28 मार्च के करीब का, उस टाइम पीरियड में आप लोग चाहे तो थोड़ा सा बैलेंस होकर के, कूल होकर के उस पीरियड को निकालिएगा। उस टाइम पे कोई बहुत बड़े बदलाव, मेजर डिसीजन से सारी चीजें मत लीजिएगा। इसके अलावा अगर देखते हैं तो इन पांचों ग्रहों का मकर राशि में इकट्ठा होना कोई ऐसे कोई नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह जो हैं जिन नक्षत्रों से होकर के जाएंगे, वहां पर नक्षत्र भी सूर्य के रहेंगे, चंद्रमा के रहेंगे और मंगल के रहेंगे, और प्लैनेट्स भी जो आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नक्षत्रों के साथ में किसी तरह का रिएक्शन करें। तो ऐसे कोई बहुत घबराने डरने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इस टाइम पीरियड का फायदा ये सारे ग्रह इकट्ठे होकर के कहीं ना कहीं आपको इनिशिएट कर रहे हैं कुछ प्लानिंग करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो ये सब चीजें आप लोग इस टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये जो संबंध बनेगा इन पांचों ग्रहों का, इनके ऊपर एक इनडायरेक्ट प्रभाव राहु का भी आएगा, क्योंकि ये घटना जो हो रही है, पांच के पांचों जो ग्रह हैं अर्थ त्रिकोण में बैठ रहे हैं। अर्थ त्रिकोण का मतलब है कि जो आखिरी अर्थ त्रिकोण मकर राशि है, ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है, और यहाँ से पैसे का जनरेशन होता है, क्योंकि जो 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होता है और पांच के पांचों ग्रह जब इकट्ठे इसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से अप्रत्यक्ष एक संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के, विकास को लेकर के, जो आर्थिक दिशा होती है, या ये कह लीजिए कि हर एक व्यक्ति की लाइफ का जो एक मोटिव होता है पैसे अर्न करना या प्रोग्रेस करना, इन चीजों में कहीं ना कहीं ये प्लैनेट आपको एक्टिवेट करेंगे या इनिशिएट करेंगे। आपकी मन स्थिति कुछ इस तरह की हो सकती है कि आप प्लानिंग करें प्रोफेशन को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, पैसों को लेकर के, कुछ नया आप क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो क्रिएशन होगा आपका अच्छे के लिए होगा। इसमें कोई ऐसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ पांच पांच ग्रह बैठ गए हैं तो कुछ खराब हो जाएगा या कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं आपको कंस्ट्रक्शन कराने का काम करेंगे, ऐसे कुछ प्लानिंग करवा सकते हैं जो आपको आगे चल करके लाभ देने का काम करे, चाहे वो आर्थिक लाभ हो, चाहे वो किसी भी तरह का लाभ जैसा कुछ आपके लिए आगे निकल करके आए, ये सारी सारे संकेत आपको दे रहे हैं प्लैनेट। क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर है, तो चंद्रमा क्या है कि चंद्रमा मन है, और मन को जब इतने ग्रहों का साथ मिलेगा तो वो उन ग्रहों से संबंधित चीजों की कहीं ना कहीं प्लानिंग अवश्य करेगा, और मन ही वो चीज होती है जो चीजों को एक्शन में ले आती है, क्योंकि थॉट तो पहले मन के लेवल पर आते हैं, फिर उसको व्यक्ति आगे डिस्क्यूट करता है या उसको एक्शन में लेकर के आता है। और मंगल भी चूंकि वहां पर है, तो जो कुछ भी आपके थॉट आएंगे, जो प्लानिंग आप करेंगे, उसको आप फाइनली एग्जीक्यूट भी करेंगे। इस तरीके से आप इसको समझिएगा, और बिल्कुल भी नहीं डरिएगा, क्योंकि पांच ग्रहों के नाम पे लोग बहुत डर जाते हैं कि ग्रहों का ग्रह युद्ध हो रहा है, डिग्री वाइज बहुत पास आ गए हैं तो किसी तरह का विस्फोट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई विस्फोट नहीं होता है। बल्कि तरीके से ये ग्रह भी इंडिकेशन देते हैं कि जिस राशि में हो रहा है तो हर एक ग्रह अपनी अपनी एनर्जी के अनुसार जो है उसका उपयोग करे। तो उपयोग कहाँ पे करना है, कर्म की राशि में हो रहा है तो कर्म से ही जोड़ करके आपको सारी चीजों को करना है। अगर ये कहीं गलत चीज में हो रहा होता तब एक बार आप डरते कि कुछ गलत हो रहा है। अर्थ त्रिकोण में हो रहा है, अच्छा है। काम त्रिकोण में एक बार हो तो चलो कि आप मान सकते हो कि आपकी कामनाओं में वृद्धि करेगा, मेहनत करना, पैसे कमाना, ये सारी चीजें तो पॉजिटिव चीज होती है। कामनाओं की अनावश्यक जो वृद्धि होती है वो एक बार कह सकते हैं आपकी नेगेटिव, आप उसको मान सकते हैं। तो कर्म की राशि मकर में हो रहा है तो आप लोगों के लिए लाभ ही देने का काम करेगा, जो कि प्लानिंग सारी फ्यूचर में चल करके आपके लिए आर्थिक लाभ दें, संबंधों का लाभ दें, आपके स्किल्स का लाभ दें, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि इस वीडियो से आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, और अपने सभी व्यूअर्स को मैं एक बार फिर थैंक्स बोलूंगी जो कि मेरे चैनल से जुड़े हैं, और नए व्यूअर्स से भी यही कहूंगी कि आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूंगा आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।